मोहम्मद साहबुज़मा अमोर विधानसभा के प्रत्याशी की ओर से आप तमाम देशवासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद। पॉपुलर फ्रंट के पूर्णिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद सोहराब आलम की ओर से आप तमाम देशवासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद। Hi, this is Bhavan Irani and please keep watching INN24. Hi everybody, आप सब लोगों के लिए let's sing some lines. मेरा गाना अफगान जले भी कुछ लाइन्स आपके लिए गाता हूँ. अफगान जले भी माशूक फरे भी घायल है तेरा दीवाना वैवा वैवा. Okay, be happy and keep watching this channel INN24. नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरे विश्व भर में पर्यावरण को बचाए जाने की अपील की जा रही है। ऐसे में भला कोरबा का कुसमुंडा कैसे पीछे रहता। यहां भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न आयोजन आयोजित किए गए। पूरा आयोजन कुसमुंडा प्रबंधन के द्वारा ऑफिसर क्लब कुसमुंडा में किया गया। इस अवसर पर CGM ऑफिस कुसमुंडा में मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने SACL के अधिकारी और कर्मचारियों से प्रकृति को बचाए रखने की भी अपील की। आपको बता दें कि कुसमुंडा का पूरा इलाका बेहद प्रदूषित हो चुका है। भारी वाहनों के चलने से उड़ने वाला धूल यहां की प्रमुख समस्या बनी हुई है। इससे निपटने SACL ने पिछले साल लॉन्ग रेंज फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल भी शुरू किया था। SACL लगातार पॉल्यूशन को कम करने अलग अलग तरीके अपनाने में जुटी हुई है। इस पूरे आयोजन में मौजूद रहे हमारे संवाददाता ओम गभेल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज SACL कुसमुंडा में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा प्रेरणा के लिए, उनको जानकारी के लिए कुछ कुछ आयोजन ऑफिसर क्लब के अंदर किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम यहाँ पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि चूँकि कुसमुंडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ख़तरनाक है, इसके लिए प्रबंधन आए दिन कुछ न कुछ अपने तरीके से करने की कोशिश करते रहती है। इसी कड़ी में मेरे पीछे एक मैकेनिकल फॉगिंग मशीन है जो झाड़ू लगाती है सड़कों पर। इसको पिछले साल ACL ने क्रय किया था और ये सड़कों पर झाड़ू लगाती है और जिससे जो सड़कों पर धूल डस्ट है उसको ये हटाने का काम करती है। इसके अलावा हमारी पर्यावरण विभाग के अधिकारी से बात हुई, उन्होंने बताया कि एक और नई मशीन उन्होंने अभी क्रय किया है। मैं अभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाएंगे तो मशीन को। ये लॉन्ग रेंज, इस मशीन का नाम है लॉन्ग रेंज फॉगिंग मशीन। ये अपने तरह की जो वायु में प्रदूषण है उसमें ये फॉग का काम करेगी, एक पानी का फॉग बनाएगी और उसको आइए दिखाते हैं आपको आगे हमारे से। इस मशीन को अभी इन्होंने लाया है और अभी ये आज के बाद से इसको चालू करेंगे और बड़े बड़े केबल मोटर के साथ आप देख सकते हैं पंखा लगा है और एक बहुत ही बड़े हैवी पैमाने के तौर पे ये काम करेगा और जो भी धूल डस्ट जो बाहर पे उड़ रहे हैं उनके फॉग का काम करके क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए इस मशीन का उपयोग ACL प्रबंधन करेगी। ACL कुसमुंडा क्षेत्र में अनेकों कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 8 बजे से ही ऑफिसर्स क्लब में स्कूली बच्चों का विभिन्न कंपटीशन रखा गया, प्रतियोगिता रखा गया है। स्कूली बच्चे हमारे भविष्य है, बच्चों को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो बच्चे जो संदेश पर्यावरण हित में पहुंचाएंगे वो संदेश घर में पेरेंट्स के पास तक जाएगा और पूरे हमारे समाज में पर्यावरण हित के लिए संदेश फैला पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्कूली बच्चों का विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं सुबह से ही, जैसे कि चित्रकला प्रतियोगिता, मॉडल बनाना, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता के अंत में समापन समारोह आयोजित की जाएगी। साथ एक लॉन्ग रेंज फॉगिंग मशीन जो अपने आप में एक नई चीज़ है वो भी हमने क्रय कर लिया है और शीघ्र उसको चालन करने जा रहा है। लॉन्ग रेंज फॉगिंग मशीन से
वायु प्रदूषण में रोड में जो गाड़ी चलता है उसके चलते जो वायु प्रदूषण होता है उसमें रोकथाम लाएंगे। विभिन्न हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खदान में जो डेवलप हो रहा है बड़े पैमाने में हो रहा है, जैसे कि नया साइडिंग की स्थापना करना, नया 20,000 टन बंकर की स्थापना और साथ साथ साइलो की निर्माण, ये सब निर्माण कार्य जब पूरे हो जाएंगे तो कुसमुंडा में कोयले की परिवहन फेस से लेकर हमारे जो सुदूर कस्टमर्स है, जो हमारे कस्टमर्स दूर दूर में हैं, वहाँ तक पर्यावरण हितैषी ढंग से रेल या बेल्ट के माध्यम से हो सकेगा, जिसके चलते वायु प्रदूषण में व्यापक मात्रा में कमी आएगी। सरकार बदली तो लोगों के लिए सरकार के सरोकार भी बदल गए। नई सरकार अपने तरीके से लोगों को रोजगार के नए तरीके बता रही है। बात करें प्रदेश की भूपेश सरकार की तो प्रदेश की पहचान कहे जाने वाले नरवा, गरवा, घुरवा और बारी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में गौठान का निर्माण कराया जा रहा है। मंगलवार को जिले के पाली जनपद के केराझरिया गांव में भी सीएम भूपेश बघेल ने चौपाल लगाया और ग्रामीणों से सीधी बातचीत करते हुए उनकी समस्या भी जानी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, चीफ सेक्रेटरी सुनील कुजूर और एसीएसआरपी मंडल के अलावा जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अफसरों के अलावा कांग्रेस के नेता और ग्रामीण मौजूद थे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम अमलीडी में धनलक्ष्मी पेपर मिल से निकलने वाली जहरीली धुएं से परेशान होकर आसपास के 10 गांव के हजारों ग्रामीणों को सांस लेने, आंखों में जलन, खांसी, दमा जैसी बीमारियां, हजारों एकड़ के फसल की बर्बादी सहित पशु पक्षियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वही फैक्ट्री मालिक पर्यावरण नियम का धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी शिकायत 10 गांव वालों ने फैक्ट्री बंद कराने पर फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई करने के लिए डोंगरगांव एसडीएम को लिखित शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होते देख ग्रामीणों ने बैठकर कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम अमलीडी में धनलक्ष्मी पेपर मिल है, जिससे निकलने वाली अत्यधिक प्रदूषण रहित जहरीली धुआं से आसपास के ग्राम सुखरी, दीवान भेड़ी, बीजे भाठा, अर्जुनी, अमलीडी, बसरन टोला, गोडरी एवं सालिक झिटिया जैसे लगभग 10 गांव को फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली धुआं से ग्रामवासी, महिला पुरुष सहित बच्चे, बुजुर्गों का जीवन संकटमय हो गया है। वहीं इस जहरीली धुएं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी, दमा आदि भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। वहां से जो धुआं आता है ना सर, उससे मतलब सांस लेने में तकलीफ है, खाना खाने में, हर चीज में, सोने उठने बैठने सब चीज में तकलीफ है सर। कभी शिकायत की है इनकी आप लोग? हाँ सर, गए थे। क्या बोलते हैं? करेंगे तो बोले थे सर। अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। लक्ष्मी पेपर मिल है, वहाँ से धुआं निकलता है, धुआं से आँख की रोशनी खराब होता है, धुआं में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, इतना खराब खराब चीज़ निकलता रहता है। और क्या क्या परेशानी होती है? और क्या क्या परेशानी होती है आप लोग को? बहुत सी परेशानी है, वातावरण दूषित हो रहा है, आँख में जलन होता है, रात की नींद आराम हो जाता है। यहाँ क्या है, धनलक्ष्मी परमिल के अंतर्गत जो वहाँ का झिल्ली निकलता है ना, वो 10-20 एकड़ 20-30 एकड़ में करीबन है, और वो ऐसे गर्मी के दिन में जला देता है, और वो धुआं से आदमी का जनजीवन व्यस्त हो जाता है। यहाँ कई 8-10 गांव में प्रभावित पड़ता है। किस तरह की परेशानी होती है इसमें? उसमें सांस लेने में परेशानी होती है, जहरीला उसमें धुआं निकलता है वो झिल्ली का। अभी आप लोग शिकायत किए हो, शिकायत पे कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगे आप लोग ग्रामीण लोग? वही शिकायत और आगे उसके लिए और आंदोलन करेंगे। किस लिए शिकायत के थे एडीएम के पास आप लोग? धनलक्ष्मी पेपर मिल से जो गंदा पानी और बदबू और उसका जो राखड़, ये राखड़ और बदबू से गांव के जनता, और एक ही गांव का नहीं, इसमें 4 से 5 पंचायत आता है, ये पूरा गाँव वाले परेशान हैं। और इसका जो गंदा पानी निकलता है वो सुखरी की नदी में जा कर मिलता है। इसका शिकायत हम लोग ना एसडीएम से कर चुके हैं, एसडीएम बोला है कि कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। किस तरह से लोगों को परेशानी होती है गांव में? इस उसका राखड़ जो निकलता है वो आँख को चुभता है, उसका जो धुआं निकलता है, प्लास्टिक जलता है, वो पूरा बदबू में हम लोग ना रोड में चल पाते हैं, ना गली में घूम पाते हैं।
इस जहरीले धुएं से मनुष्य सहित पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों का भी जीवन संकटमय हो गया है। फैक्ट्री सर्वविदित है कि प्रदूषण व जहरीले धुएं से युक्त वायु मानव शरीर व अन्य जीवों में श्वास के माध्यम से प्रवेश कर जानलेवा बीमारियों का कारण बनती है। वही प्रदूषित वायु के कारण लोग ना तो रात में ठीक से सो पा रहे हैं और ना ही खाना ठीक से खा पा रहे हैं, जिससे मानवीय शारीरिक समस्या उत्पन्न हो रही है व ग्रामीणों का शारीरिक क्षमता का भी क्षय हो रहा है। साथ ही ग्रामीण अधिकतर किसानी करते हैं व धनलक्ष्मी पेपर मिल से निकलने वाली जहरीली धुएं से मानव शरीर के साथ सैकड़ों एकड़ की फसल भी बर्बाद हो रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों से करते आ रहे हैं। फिलहाल इस बार पिछले सप्ताह डोंगरगांव एसडीएम से भी किया, लेकिन अभी तक धनलक्ष्मी पेपर मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज 10 गांव के ग्रामीण आज सुखरी पंचायत के आश्रित गांव झीका में सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीण फैक्ट्री के खिलाफ चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं। जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर उस समय लूट मच गई जब एक अंडा वाहन जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहा था। घोड़ा गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर जा पलटा। इसके बाद आसपास के गांव वालों ने अंडा लूटना शुरू कर दिया। वाहन में बैठे ड्राइवर और कंडक्टर को हल्की फुल्की चोटें आई। ग्रामीणों ने पहले गाड़ी से ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला, उसके बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी लगी। सभी लोग अंडा लूटने यहां पहुंचे और जमकर अंडे की लूट की। आपने इससे पहले पेट्रोल डीजल और दूध को लूटते देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में देखिए लोग कैसे अंडा लूट रहे हैं, अंडे की लूट किस प्रकार से की जा रही है। बलौदाबाजार जिले के पवनी गांव के स्कूल में बच्चों का आय जाति बनाने का शिविर चल रहा था। इसी बीच एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम ने पवनी गांव के पटवारी नरेंद्र बोरसे को रंगे हाथों किसान से 5,000 की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। बिलाईगढ़ तहसील अंतर्गत हल्का नंबर 08 के पटवारी द्वारा पवनी गाँव के किसान ओम प्रकाश से अपने खेत के पर्ची को तीन भाइयों के नाम में अलग अलग बनवाने के लिए पटवारी के पास आवेदन दिया गया था, जिसमें पटवारी नरेंद्र बोरसे के द्वारा ग्रामीण से पहले 15,000 का घूस मांगा गया था, जिस पर किसान ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए अधिक पैसा नहीं दे पाने की गुजारिश की। उसी बीच किसान से पटवारी ने 9,000 में बात तय की और पटवारी पीड़ित किसान से 2,000 ले लिया, जिसकी दूसरी किश्त 5,000 आज दिया गया, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आपके आपने मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो शिकायत की थी कि पटवारी ने आपसे पैसे की मांग की है, क्या चीज के लिए मांगा था, क्या है पूरा मामला बताइए। पर्ची फरवाने से कितना पैसा मांग किया था? 15,000। कितना दे चुके थे पहले? तो 2,000 दे चुके थे, आज 5,000 दे। उसकी शिकायत आप कहाँ किए थे? रायपुर गए। जांजगीर चांपा जिले के सूर्यनारायण थाना क्षेत्र के खरौद नगर स्थित लक्ष्मेश्वर मंदिर परिसर में खरौद के ही युवक राजा राम सिदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डायल 112 की टीम ने युवक को पामगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पीएम नहीं होने दिया और हत्या की आशंका जताते हुए युवक का शव लेकर खरौद पहुँच गए। खरौद में लक्ष्मेश्वर मंदिर के सामने सड़क पर लाश रख कर चक्का जाम कर दिया। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये डायल 112 से सूचना मिली कि राजा राम नामक एक व्यक्ति खरौद में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वहां पर बेहोशी हालत में गिरा पड़ा है। डायल 112 के द्वारा उसको पामगढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसका चेक किया तो चेक करके मृत घोषित कर दिया, जिसको पंचनामा कार्रवाई की जा रही थी। उसी दरमियान उनके परिजन उसको बॉडी को लेकर के वहां लक्ष्मणेश्वर मंदिर परिसर में लेके आ गए हैं और कुछ लोगों पर शंका व्यक्त कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा आते की आशंका जताते हुए जांच की मांग की जा रही है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और संलिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।
जगदलपुर लोहंडी गुड़ा थाना क्षेत्र के धुरा गांव में रहने वाले एक युवक ने पुराने विवाद के चलते एक वृद्ध पर धारदार हथियार से हमला करके उसे घायल कर दिया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वही घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि धुरा गांव निवासी गंगाराम नाग रात को अपने घर के अंदर बने मंदिर में सो रहा था, तभी घर के सामने रहने वाला एक बंगाली युवक ने पुराने विवाद को लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया। बंगाली से बचने के लिए गंगा मंदिर से भागकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बताया। घायल की आवाज सुन आसपास के लोग भी आ गए, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। वही परिजनों ने बताया कि पहले भी बंगाली ने एक विवाद को लेकर प्रार्थी के बेटे को कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ाया था। बुधवार को विश्व समुदाय ने पर्यावरण को बचाए रखने और इसे प्रदूषित नहीं करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के संकल्प लिए। बात करें जिले के भीतर हुए इस तरह के आयोजन की, तो एनटीपीसी में मौजूद हिंदुस्तान पेट्रोल पंप की तरफ से भी इस दिन को खास बनाने के लिए कई तरह के आयोजन किए गए। सबसे खास बात रही कि अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सभी ने बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया। खुद बालकों के पार्षद और समाजसेवी हितानंद अग्रवाल ने इस मौके पर हमसे बात की और किस तरह प्रदूषण को कम किया जा सकता है इस पर चर्चा की। इस दौरान पेट्रोल पंप के कर्मियों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार और उपहार भी दिया गया। पर्यावरण, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिना पानी हम सात, बिना खाना हम सात दिन जी सकते हैं, बिना पानी हम दो दिन जी सकते हैं, लेकिन बिना हवा, बिना हवा हमारे लिए दो मिनट टिकना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये जो भी है हमारे आसपास हमारा वातावरण, यही है हमारा पर्यावरण। इसको हम बहुत सदियों से इसका उपयोग तो करते आ रहे हैं, लेकिन वो उपयोग सही मायने में और सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण का शोषण भी हो रहा था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1972 में इसकी शुरुआत हुई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इसे कार्यकांड में 1974 में लाया गया। आज 5 जून 2019 को हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। ये इसकी 45वां वर्षगांठ है। और पिछले गत वर्ष हमने भारत में इस चीज़ का इसको अपने भारत में हमने नई दिल्ली में इस चीज़ को हमने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था और इसको मनाया था। जो हमारा हमने भारत ने का जो स्लोगन था वो बीट प्लास्टिक था। हमारे HPCL परिवार से यहाँ पे सिवा सर्विस स्टेशन में समस्त डीलर और नोजल बॉय एकत्रित होकर यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाए हैं। साथ में HPCL का FSM डे होता है, जिसमें हम अपने नोजल बॉय का सम्मान करते हैं। तो हमारे जो सेल्स ऑफिसर हैं आदरणीय प्रिंस सोनी जी, उनके हाथों आज नोजल बॉय का सम्मान किया गया और वृक्षारोपण करके क्षेत्र को एक संदेश दिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस पे हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पूरे साल भर हम वृक्ष लगाएं और पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं इस पे हम सब जागृति फैलाएं क्षेत्र में। कवर्धा के हाईटेक बस स्टैंड और समीप मड़ी कंचन केंद्र परिसर में पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह, वन मंडलाधिकारी दील राज प्रभाकर, जिला पंचायत CEO कुंदन कुमार, अपर कलेक्टर जीवन किशोर ध्रुव सहित समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया और पर्यावरण को स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प लिया गया। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने पौधारोपण के बाद जिले वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधों के अलावा सभी जीव जंतुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पेड़ पौधे उनमें से एक महत्वपूर्ण इकाई है। कलेक्टर ने कहा, हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। पौधारोपण के बाद उन पौधों को सुरक्षा देते हुए उन्हें बड़ा भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 15 जून मानसून के बाद कबीरधाम जिले में बड़े पैमाने पर हर वर्ष भी वृहद पौधारोपण के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिले के सभी शासकीय आंगनबाड़ी, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास खाली भूखंड पर छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा। पौधारोपण कार्यक्रम में नगरपालिका के कवर्धा SDM विपुल गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक दीवान,
तहसीलदार मनोज रावटे, सीएमओ लवकुश सिंगरौल सहित समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN 24 पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं INN 24।